यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें अधिकार दिया कि वे प्रेतों को निकाला करें तथा हर प्रकार के रोग और व्याधि से स्वस्थ करें। इन 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं: शिमोन, जो पत्रस कहलाए, उनके भाई आंद्रयास, जेबेदियास के पुत्र याकोब, उनके भाई योहन, फिलिपोस, बार्थोलोम्यास, थोमास, चुंगी लेने वाले मतिया, हल्फयास के पुत्र याकोब, थेतियास, कनानी शिमोन तथा कारियोतवासी यहूदा, जिसने उनके साथ धोखा किया। यीशु ने इन 12 को इन निर्देशों के साथ विदा किया: अन्य जातियों के मध्य न जाओ और शोमरोन प्रदेश के किसी भी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। जाते हुए ये घोषणा करते जाओ, स्वर्ग राज्य समीप आ पहुंचा है। रोगियों को स्वस्थ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ रोगियों को शुद्ध तथा प्रेतों को निकालते जाओ। तुमने बिना दाम के प्राप्त किया है, बिना दाम लिए देते जाओ। यात्रा में अपने लिए सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्कों को जमा न करना। यात्रा के लिए न थैला, न वस्त्रों के दूसरे जोड़े, न जूते और न ही लाठी साथ ले जाना, क्योंकि भरण पोषण हर एक मजदूर का अधिकार है। किसी भी गांव या नगर में प्रवेश करने पर योग्य व्यक्ति की खोज करना और वहां से विदा होने तक उसी के अतिथि होकर रहना। उस घर में प्रवेश करते समय उनके लिए मंगल कामना करना। यदि वो घर इस योग्य लगे तो उसके लिए शांति की कामना करना। यदि वो इसके योग्य ना लगे तो अपनी शांति की कामना अपने पास लौट आने देना। जो कोई तुम्हारा स्वागत ना करे या तुम्हारी ना सुने, उस घर से या उस नगर से बाहर आते हुए अपने चरणों की धूल तक वहीं झाड़ देना। सच तो ये है कि न्याय के दिन पर उस नगर की तुलना में सदोम और अमोरा का दंड कहीं अधिक सहनीय होगा। याद रखो कि मैं तुम्हें इस प्रकार भेज रहा हूँ मानो भेड़ियों के समूह में भेड़। इसलिए जरूरी है कि तुम सांप जैसे चालाक तथा कबूतर जैसे भोले बनो। सहजातियों से सावधान रहना, क्योंकि वे ही तुम्हें पकड़कर स्थानीय न्यायालय को सौंप देंगे। उनके यहूदी सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे कारण, मेरे गवाह के रूप में तुम्हें राज्यपालों और शासकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जब तुम पकड़वाए जाओ तो ये चिंता न करना कि तुम्हें कैसे या क्या कहना होगा। सही शब्द तुम्हें उसी समय प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ तुम नहीं परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा शब्द देगा। भाई अपने भाई को तथा पिता अपनी संतान को हत्या के लिए पकड़वाएगा। बालक अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाएंगे और उनकी हत्या का कारण बन जाएंगे। मेरे नाम के कारण तुम सबकी घृणा के पात्र बन जाओगे, किंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। जब वे तुम्हें एक नगर में यातना देने लगे तब दूसरे नगर को भाग जाना, क्योंकि सच्चाई ये है कि इज़राइल राष्ट्र के एक नगर से दूसरे नगर तक तुम्हारी यात्रा पूरी भी ना होगी कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। शिष्य अपने गुरु से श्रेष्ठ नहीं और ना दास अपने स्वामी से। शिष्य के पक्ष में यही काफी है कि वो अपने गुरु के तुल्य हो जाए तथा दास अपने स्वामी के। यदि उन्होंने परिवार के प्रधान को ही शैतान घोषित कर दिया तो उस परिवार के सदस्यों को क्या कुछ ना कहा जाएगा। इसलिए उनसे भयभीत ना होना, क्योंकि ऐसा कुछ भी छुपा नहीं जिसे खोला ना जाएगा, या ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे प्रकट ना किया जाएगा। मैं जो कुछ तुम पर अंधकार में प्रकट कर रहा हूँ उसे प्रकाश में स्पष्ट करो, और जो कुछ तुमसे कान में कहा गया है उसकी घोषणा हर जगह करो। उनसे भयभीत ना हो जो शरीर को तो नाश कर सकते हैं किंतु आत्मा को नाश करने में असमर्थ हैं। सही तो ये है कि भयभीत उनसे हो जो आत्मा और शरीर दोनों को नर्क में नाश करने में समर्थ है। क्या दो गौरैया बहुत सस्ती नहीं बिकती? फिर भी ऐसा नहीं कि यदि उनमें से एक भी भूमि पर गिर जाए और तुम्हारे पिता को उसके विषय में मालूम ना हो। तुम्हारे सिर का तो एक एक बाल गिना हुआ है, इसलिए भयभीत ना हो। तुम्हारा दाम अनेक गौरैयों से कहीं अधिक है। जो कोई मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करता है, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, किंतु जो कोई मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करता है उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप के लिए आया हूँ। मैं मेल मिलाप के लिए नहीं, बंटवारे के लिए आया हूँ।
मैं आया हूं कि पुत्र को उसके पिता के, पुत्री को उसकी माता के तथा बहू को उसकी सास के विरुद्ध उकसाऊं। मनुष्य के परिजन ही उसके शत्रु होंगे। वो जिसे मेरे बजाय अपने माता पिता से अधिक लगाव है, मेरे योग्य नहीं है, तथा जिसे मेरी बजाय अपने पुत्र पुत्री से अधिक प्रेम है, वो मेरे योग्य नहीं। वो जो अपना क्रूस स्वयं उठाए हुए मेरा अनुसरण नहीं करता, मेरे योग्य नहीं। वो जो ये समझता है कि उसने जीवन पा लिया है, वो उसे खो देगा, तथा वो जिसने मेरे लिए अपना जीवन खो दिया है, उसे सुरक्षित पाएगा। वो जो तुम्हें स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है, उन्हें स्वीकार करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। जो कोई एक भविष्यद्वक्ता को एक भविष्यद्वक्ता के नाम में स्वीकार करता है, एक भविष्यद्वक्ता का इनाम प्राप्त करेगा, और वो जो एक धर्मी व्यक्ति को एक धर्मी व्यक्ति के नाम में स्वीकार करता है, धर्मी व्यक्ति का ही इनाम प्राप्त करेगा। जो कोई इन मामूली व्यक्तियों में से किसी एक को एक कटोरा शीतल जल मात्र इसलिए दे कि वो मेरा शिष्य है, तुम सच तो मानो, वो अपना इनाम नहीं खोएगा।